गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। यू आर वॉचिंग लाइफ लव जर्नल्स एंड मैं हूँ अदिति। सो एज़ यू माइट नो, मेरा पिछला ब्लॉग देख के कि मैं हूँ मैक्लोडगंज में। दिस इज़ माई सेकेंड डे एंड अभी मैं उठी हूँ, रेडी हुई हूँ, अब हम बाहर जाने वाले हैं। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू सी द व्यू, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द बालकनी, दैट्स माई हस्बैंड। So that was the view from the balcony, isn't it very nice? So mountains की बात ही अलग है। Anyway, also मैं room tour दे दूँ। कल तो हम लोग सो गए थे, आते ही सारा फैला दिया था सामान। अभी housekeeping हुई है तो मैं आपको थोड़ा room दिखा देती हूँ कि कैसा है हमारा। This is how we enter the room and यहाँ enter होते ही this is the sitting area। केटल है एंड चाय कॉफ़ी सारा सामान है। दैट्स द इंटरकॉम, दिस इज़ अ बेड, अच्छा खासा बड़ा बेड है। देन दिस इज़ द टीवी, ड्रेसिंग एरिया और ये क्लोज़ेट, मिनी फ्रिज भी है बाय द वे। टीवी एरिया एंड ऑल्सो दिस इज़ द वॉशरूम, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। शॉवर क्यूबिकल है यहाँ पे। And this is seat, sink, everything is very nice. So I am ready to go out. This is my outfit for today. थोड़ा हिप्पी टाइप मैंने ड्रेसअप किया। This is actually my yoga pants. इसको मैंने एक बॉडी सूट के साथ पेयर कर लिया है। This बॉडी सूट इज़ फ्रॉम Shein एंड साथ में मैंने एक माला भी पहनी है। दिस इज़ माई लकी माला, जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं इसे ज़रूर पहनती हूँ, या तो मैं गले में पहनती हूँ या हाथ पे पहन लेती हूँ। एंड लुक एट दैट व्यू फ्रॉम द विंडो, बहुत अच्छा है। द होटल इज़ वेरी नाइस, द पीपल आर वेरी वार्म एंड वेलकमिंग। गाइस वी आर आउट अगेन और आज थोड़ी ठंड है, धूप नहीं है आज। माई ट्रेन ऑल्सो, हम लोग देख रहे हैं अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने किसी ना किसी कैफे। ट्रेन में आ जाओ, हेलो बोलो। हाय, दैट्स माय शाय हस्बैंड, कैमरा पे लाना इनको बहुत मुश्किल होता है। एनीवे okay, so we are going and I'll see you there. हम आ गए बॉगडो कैफे। ये छोटा सा कैफे है मैक्लोडगंज में और ये मेरा फेवरेट फूड जॉइंट है। जब मैं यहाँ 2015 में गई थी तब हमने यहाँ पे स्टे भी किया था और रोज़ का ब्रेकफास्ट हमारा यहीं पे हुआ करता था। पीछे इनका टेरेस एरिया भी है जहाँ से व्यू अमेजिंग दिखता है और अंदर भी काफ़ी लाइट आती है और यू फील द वाइब ऑफ द माउंटेन्स। ये है इसका फ्रंट का एरिया जहाँ पे एंट्रेंस है एंड ये पर्टिकुलर सीट जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। This is my favorite corner of this cafe और मैं जब भी आती हूँ मैं हमेशा यही सीट प्रेफर करती हूँ। We'll be right back.
राइट हम वापस जा रहे हैं रूम पे। एज यू कैन सी धूप हो गई है फिर से, इट इज़ क्वाइट हॉट राइट नाउ, और ऊपर चढ़ने में तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। आई विल टॉक टू यू व्हेन आई रीच द होटल। ओके सो अनिल कीप्स वॉकिंग बहुत आगे आगे बिकॉज हमने बियर ली है एंड उन्होंने प्रॉपर बैग नहीं दिया एंड ही इज़ नर्वस कि वो गिर के टूट ना जाए। सो आई एम लैगिंग बिहाइंड बिकॉज मैं व्लॉग भी कर रही हूँ और मेरे पास थोड़ा अपना कोट भी है, पर्स भी है। ओ बाय द वे आई बॉट अ कुर्ता, उस पर ओम लिखा हुआ है। आई विल शो यू व्हेन आई रीच द होटल, पहन के मैं दिखाऊंगी कैसा है। लार्ज साइज लिया मैंने बिकॉज मेरी एक तो योगा पैंट्स है ऑरेंज कलर की और उस पर वाइट कलर का कुर्ता है, वो उस पर ओम लिखा हुआ है। सो आई थॉट कि अच्छा कॉन्ट्रास्ट होगा। सो आई विल शो यू व्हेन आई रीच द रूम एंड ओके आई थिंक वो एरिया आ रहा है, आने वाला है जहाँ पे बहुत सारे मंकीज होते हैं, तो मैं फ़ोन अंदर रख लेती हूँ। दीज आर द एडजेसेंट होटल्स, थोड़ा सा मार्केट से वॉकिंग डिस्टेंस है एंड दैट इज़ आर होटल। हमारे होटल का साइन है ये, साइन बोर्ड। दिस इज़ द वे। माउंटेन्स हैं तो थोड़ा बहुत स्टीप डाउन हिल अपहिल तो होता ही है, बट इट इज़ नाइस। अच्छी सिक्लूजन में भी है एक तरीके से, बट इट इज़ क्वाइट नियर बाय टू द मार्केट एंड द टेम्पल एंड द बस स्टैंड। यहाँ पे और होटल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन चल रही हैं आसपास। सो मे बी व्हेन यू गाइस वांट टू विजिट, क्या पता है तब तक ही रेडी हो चुका हो, बट द व्यू इज़ अमेजिंग। Hey guys, so I'm back at the room and I have changed into the kurta that I bought. It is not utna loose nahi hai jitna maine socha tha. I think ye ek body type ke hisab se loose hoga, large size hoga, but mere matlab north indians ke hisab se I don't think this is the large size. Haan ye long hai. It is more on the longer side than the larger side. Anyway, I think it still looks nice on me. You can make out with this yoga pant. Hey guys, so it is 4 o'clock right now. हम लोग निकल रहे हैं for evening outing. Maybe हम लोग dinner करके ही आएंगे. We are planning to go to the Dalai Lama temple. और उसके बाद we'll have dinner. And फिर हम लोग dinner करके जल्दी वापस आने का plan कर रहे हैं because हमको सुबह भी कल किसी तरह time kill करना है. So we'll come home come to the hotel early. सो ओके सो मैंने लिपस्टिक चेंज कर ली, मैंने थोड़ी डार्क लिपस्टिक लगा ली है फॉर द नाइट टाइम एंड मैंने टॉप की जगह स्वेटर पहन लिया है एंड जॉगर्स मैंने सेम रखी है बिकॉज दे आर कंफर्टेबल एंड दे गिव अ हिप्पी लुक। स्वेटर पहन लिया बिकॉज ठंड हो जाएगी आई थिंक, बट अभी काफ़ी सनी है एंड हेयर को मैंने टाई कर लिया है हाफ अपडू में। सो अब चलते हैं एंड स्टे ट्यून्ड एंड कम अलोंग। मैं आ गई हूँ चिकन किचन और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया थुक्पा जो मैं फर्स्ट टाइम खाने वाली हूँ।
एंड इन्होंने किया है शेजवान नूडल्स जो कि वैसे भी दिल्ली में मिल ही जाते हैं. सो आई थॉट क्यों ना कुछ न्यू ट्राई किया जाए. सो आई एम गोइंग टू ट्राई थुप्पा एंड इट इज़ अ वेरी फेमस प्लेस हेयर इन मैक्लोडगंज. लेट्स सी हाउ इट इज़ टेस्टी होता है या नहीं. बाकी फेमस ये बहुत है यहाँ पे. सो लेट्स सी आई एम वेटिंग फॉर द फूड टू कम. Guys, we are on our way back to the hotel. बहुत खा लिया, चला भी नहीं जा रहा और बच भी गया. But अभी time भी ज़्यादा नहीं हुआ है. It's only around 5:30 I think. 6 भी नहीं बजा अभी. ज़्यादा ट्रैक वगैरह नहीं करने का सोचा हुआ. So we are going back to the hotel. और मैंने एक पेस्ट्री भी ले ली है, चॉकलेट ट्रफल. A little bit of indulgence for the last day today. उसके बाद कल घर वापस and उसके बाद again diet and exercise continue. And what's a vacation without a little indulgence, right? So let's see tomorrow before our Volvo. Maybe हम rent पे bike लेके डल लेक जाएँ. और एक यहाँ पर church है काफ़ी famous, चर्च ऑफ सेंट जॉन्स आई थिंक या सेंट जोसेफ, आई डोंट रिमेम्बर, समथिंग लाइक दैट. सो कल वहाँ का प्लान है बिकॉज हमारी वॉल्वो रात की है और हमको टाइम किल करना है तब तक. वेयर इज माई, ओके ही इज़ कमिंग. सो क्या प्लान है रूम पे जाके? मिला वो बियर, थकान में टाइम बियर और पेस्ट्री. यू हैव योर पेस्ट्री. एक्चुअली सन जा चुका है, मैं एक मैन के घूम रही हूँ. होटल भी आ गया एंड वो मंकीज वाला एरिया आ गया. मैं अभी फ़ोन छुपा लेती हूँ और सनग्लासेस और ग्लासेस सब कुछ छुपा लेती हूँ बिकॉज दे टेंड टू स्नैच थिंग्स. यू कैन नेवर बी टू केयरफुल. तो मैं रखती हूँ. ओके हेलो बेबी. The dogs are super friendly here and so so cute. हाँ जी, हाँ नमस्ते. पकड़ के